राजसमंद वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती पर 3 दिवसीय मेला समारोह पूर्वक शुरू हुआ। मेला खमनोर पंचायत समिति की ओर से हल्दी घाटी के शाही बाग में आयोजित किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य सांसद दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर महाराणा प्रताप को सभी उपस्थिति अतिथि और लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज राष्ट्र के विकास में भागीदारी का संकल्प भी लिया गया। इससे पूर्व रक्त तलाई से भव्य शोभा यात्रा शुरू हुई जो शाहीबाग समारोह स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। आइडेंटिफाई हो गया तो आर्कियोलॉजी के जो नियम और कानून है उसके अंतर्गत ये स्थान पर हम मेला जिस भव्य आयोजन करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, इसीलिए पिछले समय में मचीन में मेला पूजा का नाम से मेला प्रारंभ किया। 2 दिन का मेला वहाँ लगे, 3 दिन का मेला है लगे, और एक स्थान के रूप में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि अभी बताया अभी सरपंच साहब ने कि पास में ज़मीन है फॉरेस्ट की, तो ज़मीन को यदि हम एक्सचेंज करके यहाँ लगा सके तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, ऊपर ज़मीन अलॉटमेंट करेंगे, वहाँ उसको तहसील में अलॉटमेंट हो गया, कलेक्टर साहब को कहा है यदि तहसील भवन नहीं बन चुका है उस ज़मीन को मेला ग्राउंड के लिए आइडेंटिफाई किया जाए। प्रयास रहेगा कि किसी तरह से स्थायी मेला ग्राउंड का आइडेंटिफिकेशन हो जिससे मेले का अच्छे ढंग से आयोजित हो। हल्दी घाटी में पहली बार चुनाव के बाद आने का मौका मिला और आज के दिन आने का मौका मिला, इतना ऐसा दिन है, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। महाराणा प्रताप जयंती न केवल इस क्षेत्र के लिए, मेवाड़ के लिए, पूरे देश के लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन एक ऐसे व्यक्तित्व को याद किया जाता है जिसने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, अपने पूरे जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया, और इनका जो जैसे इन्होंने अपने जीवन में ये इनको आदर्श मानकर और इनकी जितने भी सिद्धांत हैं उनको अगर हम हमारे जीवन में अपनाएं तो मुझे लगता है आज के ज़माने में भी, आज के युग में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय उन्होंने मातृभूमि के लिए इतना कुछ किया और आज भी हम हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अगर इस तरह से ये भावना से जो उनकी भावना थी उस समय वो भावना अब हम अपने जीवन में अपनाएं तो बहुत बड़ी चीज़।